अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ स्पेशल बीफ बोटी पकौड़ा। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बीफ लिया है बोनलेस आधा किलो। आज मैं बोटी पकौड़ा बनाऊंगी। सबसे पहले इसको मैं प्रेशर कुकर में शामिल करूंगी, इसमें डाल दूंगी। तो इसको पहले से थोड़ा सा गलाना पड़ता है। इसमें मैंने एक छोटा प्याज और चार पाँच लहसुन के पीस ले लिए हैं। एक गिलास पानी शामिल करूंगी और थोड़ी सी मैं टेस्ट के लिए ये साबुत काली मिर्ची, एक गिलास पानी शामिल करूंगी जितने में ये गल जाए, थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए और थोड़ा सा ज़ीरा। अब इसको मैं बंद कर दूंगी 10 मिनट के लिए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, प्रेशर खोल दिया। अब ये अच्छी तरह गल गई हैं, इतना सा मैंने पानी इसमें रहने दिया। मैं एक बाउल लिया, उसमें बेसन शामिल करूँगी हसबे ज़रूरत, इसमें मिर्चें सुरख हसबे ज़रूरत, हाफ टी स्पून नमक हसबे ज़रूरत, हल्दी थोड़ी सी। ये मैंने मिक्स गरम मसाला डाला है, इसमें धनिया है, ज़ीरा है और मिर्चें साबुत हैं वो पीसी हुई। भून के इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट के वो शामिल किया। मैं धनिया शामिल करूँगी, हरी मिर्च 1 टेबल स्पून, इसमें मैं कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूँगी, हाफ टी स्पून काली मिर्च। अब अपने टेस्ट के मुताबिक इसको मिर्चों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। जो मैंने बीफ बोटी बनाई है उसको गलाया है, उसका जो लिक्विड है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। इसमें बीफ मिर्च शामिल कर दूँगी, अब इसको मिक्स कर लूँगी। इसका लिक्विड मैंने इसलिए शामिल किया कि जो यखनी का टेस्ट है ना वो भी इसमें आ जाए और ज़्यादा मज़े के बनेंगे। अब ये फ्राइंग के लिए तैयार है। एक कुटी हुई साबुत मिर्चें हैं लाल, इसको मैंने अलहदा से हाफ टी स्पून और शामिल कर लिया, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। अब कढ़ाई ली है, इसमें आयल शामिल करूँगी। मैंने इतना शामिल किया है ताकि इसमें डीप फ्राई हो जाए। आयल गर्म हो गया, अब मैं एक एक बोटी को इस तरह शामिल करूँगी। आँच में मीडियम रखूँगी ताकि अच्छी तरह बेसन जो है ना वो फ्राई हो जाए। मैं साइड चेंज कर दूंगी, सबकी मैंने साइड टर्न करती हैं। अब 3-4 मिनट बाद ये तैयार हो जाएंगे। अब ये दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई हो गया, अब मैंने इसको निकाल लिया। बीफ बोटी पकौड़ा तैयार है, चटनी के साथ इसको खाएं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, बहुत मज़े के बनते हैं।